आज किचन में तैयार हो रहा है आलू पूड़ी। देखिए गुरु जी भी क्या क्या कराते रहते हैं, पता ही नहीं था मुझे। तो अचानक से दिमाग में इतना स्ट्रांगली थॉट आया कि थोड़ा सा लंगर प्रसाद कुछ गरीबों को दे के आया जाए, तो मैं अकेली ही लग गई सारा काम करने के लिए। देखिए गुरु जी क्या क्या कराते रहते हैं, और गुरु जी की जैसी इच्छा। तो गुरु जी ने आदेश दिया है कि मैं कुछ लंगर प्रसाद बांट के आऊं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अकेले तैयार करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो लग ही जाती है, तो इसलिए मैं अकेले तैयार करने लग गई हूँ। बांटने के लिए बेटी की सपोर्ट लूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे, और सोच रही हूँ वहाँ पे मंदिर भी है तो मंदिर भी होके आऊंगी। तो चलिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मुझे यह अक्कल देने के लिए, है ना। कभी कभार थोड़ा बहुत करना चाहिए, है ना। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और गरम गरम आलू पूड़ी खा के वो भी खुश हो जाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हो गया है मेरा ये लंगर प्रसाद तैयार, और अब मैं कर लेती हूँ इसकी पैकिंग झटपट से। बस सब फटाफट सब कुछ पैक कर देती हूँ मैं, फिर चलते हैं। ये आइडिया मेरा नहीं, गुरु जी का है। छोटी-छोटी सी लंगर सेवा देना अच्छी बात होती है, ये बात मुझे भी समझ में आई है, आप भी कीजिएगा, है ना। चलिए कुछ दे के आते हैं और उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। चल पैक कर दे। चलिए चलते हैं, हो गए हैं तैयार, और कर लिया मैंने अपना बैग रेडी, और मैं इसको लेके चल रही हूँ लंगर प्रसाद बांटने। Yeah.
हैं प्रसाद बांट के। तो शुक्राना गुरु जी, ये थॉट मन में डालने का कि प्रसाद बांटना चाहिए, है ना, लंगर प्रसाद जितना हो सके थोड़ा बहुत करना चाहिए इंसान को, है ना। हमें इंसान का जन्म मिला है, इसीलिए तो मिला है कि हम थोड़ा सा औरों का भी ख्याल कर ले अपने हिसाब से, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, है ना। सत्संग तो हम कराते ही रहते हैं, होते रहते हैं, सत्संग जाते भी रहते हैं, लेकिन साइड बाय साइड ऐसा करना भी अच्छा है ना गुरु जी।
शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय गुरु जी।